अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। कल पूरी रात नवाब मलिक ईडी के दफ्तर में बनी सेल में रहे। इस बीच एनसीपी ने मुंबई में कई जगहों पर नवाब मलिक के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। आज एनसीपी ईडी और केंद्र सरकार के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन भी करने वाली है, तो वहीं बीजेपी भी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। मुंबई की इसी बिल्डिंग में महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर मंत्री नवाब मलिक की रात कटी है। उद्धव सरकार में जोरदार हलचल है। महाराष्ट्र अघाड़ी गठबंधन में भी मीटिंग्स का दौर जारी है। उद्धव सरकार के विरोधियों ने तरकश से तीर निकाल लिए हैं। अब आज से नया सियासी रण शुरू होने वाला है और इस रण के सेंटर में है ये तेवर। 8 दिन की ईडी रिमांड में भी नवाब मलिक के तेवर तीखे ही थे। नवाब मलिक इस तरह से पेश आ रहे हैं जैसे देश के लिए कोई बड़ी कुर्बानी दे रहे हों। केवल तस्वीरें ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। हिरासत के दौरान उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया, इसमें शायरी कम धमकी ज्यादा थी। मलिक के ट्विटर पर लिखा गया, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त है हमारा दौर आएगा। ये कहानी तो पुरानी है लेकिन इसमें हलचल 24 घंटे पहले ही शुरू हुई। ईडी की टीम पहले सुबह 5 बजे नवाब मलिक के घर पर पहुंची, फिर उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। इससे पहले कि हम गिरफ्तारी पर हुई राजनीति की बात करें, एक बार वो आरोप भी देख लीजिए जिनके तहत गिरफ्तारी हुई है। नवाब मलिक ने मुंबई में एक प्रॉपर्टी खरीदी। दावा यह है कि यह संपत्ति दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी थी, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर के नाम पर खरीदी गई। प्रॉपर्टी करोड़ों की थी लेकिन नवाब मलिक ने इसे 20-30 लाख में खरीद लिया। इस डील से जुड़े सारे दस्तावेज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ईडी को नवंबर में सौंपे थे। देवेंद्र फडणवीस ने ईडी को जो दस्तावेज सौंपे उसके मुताबिक प्रॉपर्टी की डील नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की कंपनी सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई। ईडी ने इस मामले की जांच के दौरान जेल में बंद दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। 15 फरवरी को ईडी ने इस मामले में 10 जगहों पर छापेमारी भी की। इसी जांच में मिले सबूतों के आधार पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के साथ ही बीजेपी हमलावर हो गई। इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब यह विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। तो ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी हमलावर हुई तो नवाब मलिक की पार्टी उनके बचाव में आ गई। तर्क वही थे जो आमतौर पर इस तरह के केस में होते हैं। नवाब मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के ब्लू आइड बेबी जो एनसीबी के अफसर के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और उसको लगभग चित गिरा दिया कि उसको महाराष्ट्र से हटा दिया गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उसका बियर बार की लाइसेंस के बारे में गलती सामने आई, उसके बर्थ के बारे में सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बदले की भावना से नवाब मलिक को सबक सिखाने के लिए एक राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी। वो राजनीतिक तौर पर ज़रूर लड़ लेते लेकिन कानून का फ़ायदा लेकर और ये यंत्रियों का फायदा लेकर उनके अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए न लें। हमारी विनंती है कि ईडी जो है वो इस तरह के गैर कानूनी कामों में किसी तरह की मदद न करे। बाहर आरोपों का वार पलटवार चल रहा है, वहीं नवाब मलिक से इस बिल्डिंग में धुआंधार पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी के इस दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर जो है ये पूरी पूछताछ की जाएगी। आज पूरी रात नवाब मलिक की इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के विशेष
सेल में कटेगी। कल सुबह से जो है ईडी के डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और जो विशेष अधिकारी हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो पूछताछ करने में जुट जाएंगे। जितने भी अब तक गवाहों के बयान लिए गए हैं उनको आमने सामने बिठाया जाएगा नवाब मलिक के। इसके अलावा जो इस मामले में आरोपी गिरफ्तार है, इकबाल कास्कर जो दाऊद इब्राहिम कास्कर का भाई है, वो इस मामले में आरोपी है, उसे भी आमने सामने बिठाया जाएगा। और तमाम पूछताछ करने के बाद जब अगली कस्टडी मांगने का वक्त आएगा तो जो जाँच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी सारी बातें निकाली हैं, जांच में जो पूरा इन्वेस्टिगेशन निकाला है, वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जिसको आईआर कॉपी बोलते हैं, उस कॉपी को जो है कोर्ट के सामने रखेगी। और अगर कोई जांच में ईडी के अधिकारियों को ज़रूरत लगेगी तो वो और आगे की कस्टडी भी मांगेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा जो आरोप है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने इस रिमांड कॉपी में लगाया है। और ईडी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस मामले में और भी कई लोगों से पूछताछ होनी बाकी है और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तारी के बाद एनसीपी समर्थकों ने प्रोटेस्ट भी किया। अब आज सड़कों पर उद्धव सरकार के मंत्री भी उतरेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी उतरने वाले हैं। यूपी में इलेक्शन रैलियों के धुआंधार दौर के बीच आज मुंबई पर पूरे देश की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि यहीं से अब राजनीति की कई धाराएं खुलने वाली हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।